अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। दो साल पहले आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू देश की उल्टी धारा में चलते हुए ऐलान उन्होंने किया कि दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले दंपतियों को सरकार की ओर से इंसेंटिव दिया जाएगा। ये सुनकर आम भारतीय के लिए चौंकना स्वाभाविक था। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आज की अड़ी में आप सभी का बहुत स्वागत है। आंध्र प्रदेश से बिल्कुल अलग दो राज्य असम और उत्तर प्रदेश जनसंख्या को लेकर नए कानून लाने को तैयार बैठे हैं। कानून लाने की वजह भी है। वजह जानने के लिए पहले आपको चंद तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि तस्वीरें कहा जाता है कि हजार शब्दों से भी ज्यादा मजबूत होती है एक तस्वीर। ये तस्वीरें देखिए जरा, और ये कहीं बाहर की नहीं, किसी अफ्रीकन मुल्क की नहीं, हमारे देश की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जनसंख्या विस्फोट या कहें लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ मारा मारी कर रही है केवल एक बस में सीट पाने के लिए या एक लोकल ट्रेन में चढ़ने के लिए, बाजार में एक जरूरत का सामान खरीदने के लिए या अपने घर जाने के लिए बस में बैठने के लिए। क्या हम में से कोई कभी इस भीड़ का हिस्सा बनना चाहता है? क्या हम में से कोई कभी ऐसी सवारी करना चाहता है? क्या हम चाहते हैं कि हम जहां जाएं वहां आसपास हमारे कंधे से कंधे लड़ते रहें और जनसंख्या इतनी ज्यादा हो, लोग इतनी ज्यादा हो कि वहां आप कुछ और देख ही ना पाए? आज के टूरिस्ट प्लेसेस का हाल देख लीजिए, आज के बसों का, ट्रेनों का हाल देख लीजिए। सवाल यह है कि आखिर ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? सवाल यह है कि ये आबादी है या बर्बादी है? सवाल यह है कि क्या अब वक्त आ गया है कि हमें इस पर बात करनी चाहिए, और बात करने से आगे समय आ गया है कि इस पर अब कुछ ऐसा कॉन्क्रीट लाना चाहिए जिससे अब इस समस्या का समाधान हो सके। जी हाँ, ये समस्या है या नहीं इस पर भी बहस करेंगे, लेकिन जो लोग इसको समस्या मानते हैं वो इसके समाधान की बात कर रहे हैं। आइए जल्दी से इस बारे में हम बात शुरू करें, अपने मेहमानों से बात करें। उससे पहले आपको एक बड़ी खबर दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश देश की सबसे आबादी वाला सूबा, वहां बड़े बदलाव की तैयारी है। 11 जुलाई को वहां जनसंख्या नीति आ सकती है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारी की है जनसंख्या नीति लाने की और एक नए कानून का प्रेजेंटेशन। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। उनके सामने हुआ है 2026 तक जन दर 2.1 फीसदी लाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि एक स्थिर दर मानी जाती है प्रजनन दर के लिहाज से। असम में जनसंख्या नियंत्रण पर बात हो रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा कह चुके हैं कि वो ऐसी नीति बनाने की तैयारी कर रहे हैं जिससे दो से ज्यादा बच्चे अगर कोई पैदा करे तो सरकारी योजनाओं में उसको फायदा ना मिले, जो सरकारी संसाधन है उसको उसका उस पर हक ना हो, ताकि लोग ये सोचने पर मजबूर हो कि दो से ज्यादा बच्चे पैदा ना किए जाएं। सवाल यह है कि क्या यह हो पाएगा? सवाल यह है कि क्या इस देश में जहां हर चीज को धार्मिक अमला पहना, धार्मिक हर चीज पर धार्मिक मुलम्मा चढ़ा दिया जाता हो, सवाल यह है कि जहां पर हर चीज पॉलिटिक्स से जोड़ दी जाती हो, क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टियां पॉलिटिक्स से ऊपर और वोट बैंक से ऊपर उठकर इस पर सोचेंगी? आज इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन है मैं आपको यह बताता हूं। शाजिया इल्मी है जो कि हमारे साथ जुड़ रही हैं थोड़ी देर में बीजेपी की नेता के तौर पर। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय हैं, बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पर काफी काम किया इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। बहुत स्वागत है अश्विनी जी आपका। आचार्य प्रमोद कृष्णम है, कांग्रेस के नेता हैं। आचार्य प्रमोद जी आपका भी बहुत स्वागत है। इकबाल महमूद है हमारे साथ, विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। इकबाल जी स्वागत है आपका इस पैनल में। विजय शंकर तिवारी हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के, वो भी हमारे साथ इस पैनल में, आपका भी स्वागत है। अब्दुल हाफिज गांधी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के कुछ देर में हमारे साथ होंगे। प्रदीप सिंह जी को आप देख रहे हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश और असम ने जो बहस छेड़ी है, क्या देश के स्तर पर भी अब ये बहस छिड़नी चाहिए? क्या राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई ऐसी नीति की जरूरत है? क्या ये आबादी बर्बादी की तरफ बढ़ रही है? आज इस पर बात करें उससे पहले जल्दी से आइए, आपको एक और बिग वॉल पर हम एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहते हैं और उस आंकड़े को रखने के बाद जाएंगे अपने मेहमानों के पास, क्योंकि ये सवाल इसलिए है कि क्या अगर उत्तर प्रदेश को इस नीति की जरूरत पड़ रही है तो बिहार को नहीं है क्या, तमिलनाडु को नहीं है क्या, राजस्थान को या मध्य प्रदेश को नहीं है क्या? आबादी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है क्या, ये हम माने या माने कि नहीं नहीं हो रही? क्योंकि कुछ जो विशेषज्ञ हैं, कुछ जानकार हैं, वो इसको नहीं मानते। पहले जरा ये आंकड़े देखिए, अगर आप इनको एक सुर में पढ़ पाए।
ये आंकड़े बताते हैं कि इस वक्त हमारे देश की जनसंख्या कितनी है। इस जीरो से अगर शुरू करें हम तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, सौ करोड़, 139 करोड़ इस देश की आबादी है वर्ल्डोमीटर के हिसाब से। और हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि दर है 1.36% मौजूदा। अगर इन आंकड़ों को देखें, क्या 139 करोड़ की आबादी, जो जाहिर सी बातें आगे बढ़ी रही है, उसको झेलने के लिए हमारे देश के पास संसाधन है? क्या हमारे पास इतने भौतिक संसाधन है? क्या हमारे पास इतने यहाँ चीजें हैं, इतना रोजगार है, इतना सुविधाएं हैं जो हम इन सब लोगों को बराबर मुहैया करा सकें? बढ़ती जनसंख्या सबसे बड़ी चिंता। आइए आपको राज्यवार बताते हैं कैसे। ये 2011 की जनगणना है, आज हम 2021 आधा बीत चुका है तब ये बात कर रहे हैं। आइडली 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से वो अब आगे बढ़ रही है। इसलिए 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 20 करोड़ की आबादी। उसके बाद महाराष्ट्र नंबर दो पर आता है, जहां 11 करोड़ 23 लाख लोगों की लोग 2011 की जनगणना। जल्दी से बढ़ते हैं, बिहार 10 करोड़ से ज्यादा लोग, पश्चिम बंगाल 9 करोड़ से ज्यादा लोगों की आबादी, मध्य प्रदेश 7 करोड़ 26 लाख, तमिलनाडु 7 करोड़ 21 लाख। इसके बाद देखिए, राजस्थान 6 करोड़ 85 लाख और कर्नाटक 6 करोड़ 10 लाख की आबादी, गुजरात 6 करोड़ यहां पर आप देख सकते हैं 4 लाख लोग, और आंध्र प्रदेश में करीब 5 करोड़ लोग। ये देश के टॉप 10 राज्य हैं जिनको हमने आपके सामने रखा है। अब यहां पर सवाल, मैं सबसे पहले, क्योंकि अश्विनी उपाध्याय आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, अश्विनी उपाध्याय क्योंकि आप इसको लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं, तो मैं सबसे पहला सवाल आपसे लेता हूं। अश्विनी उपाध्याय, आबादी या बर्बादी, कैसे देखते हैं आप इसको और क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। पहली बात तो आपके सामने जो कुछ कहने जाऊंगा मैं, वो कोई पॉलिटिकल बयान नहीं, बल्कि वो बातें कहने जा रहा हूं। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, यहां पे शाज़ी अल्मी बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो बीजेपी का पक्ष वो रखेंगे, आप अपनी बात करिए। हाँ, मैं वो बातें कहने जा रहा हूं जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में मेरी याचिका चल रही उसमें मैंने जो बातें कही है, एफिडेविट में जो बातें कही है, और आज अभी एक घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई है, आज भी ये मैटर लगा हुआ था। हमने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे के कहा है कि हमारे पास जमीन दुनिया की केवल 2% है, पानी दुनिया का केवल 5% है, जबकि जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो गई। कहने का मतलब 2% जमीन पे दुनिया की 20% आबादी रह रही है, 4% पानी को दुनिया की 20% आबादी पी रही है, तो पहली क्राइसिस इसको समझ लीजिए। दूसरी बात मैंने जो सुप्रीम कोर्ट में कहा है, जिसको सरकार ने नकारा नहीं है, मैंने कहा है कि 2019 में 125 करोड़ आधार बन गए थे, 20% लोगों के पास आज भी आधार नहीं है, ये ह्यूमन टेंडेंसी हम लोगों के पास, तो 25 करोड़ लोग बिना आधार वाले हैं, तो जनसंख्या हमारी 139 करोड़ नहीं बल्कि आज की डेट में 150 करोड़ है, जो आज मैंने दलील दिया वो आपको दलील बता रहा हूं। ठीक है, तीसरी बात ये कह रहा हूं, बड़ी सीधी सी बात है, हम अपनी तुलना किससे करें गौरव? हमें तुलना करनी चाहिए बराबर वालों से। हम चाइना से तुलना इसलिए नहीं कर सकते जनसंख्या के मामले में, क्योंकि चाइना का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, और चाइना अगर 144 करोड़ कह रहा है तो 144 करोड़ क्योंकि 100% बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं और 24 घंटे के अंदर उनका यूनिक आईडी जनरेट हो जाता है। हमारे यहां आज भी 25% बच्चे गांव में पैदा होते हैं, घर में पैदा होते हैं, उनका आंकड़ा सरकार के पास आता ही नहीं है। जब अगली जनगणना होती तब जाके सरकार को पता चलता कि इतने बच्चे। जो बात आप कह रहे हैं, और आपने कहा कि अश्विनी जी, आपने कहा कि हम पॉलिटिक्स के चश्मे से इस बात को ना देखें, ठीक है हम नहीं देखते हैं, लेकिन जैसे ही जनसंख्या की बात आती है वहीं पर पॉलिटिक्स आ जाती है। मैं क्यों कह रहा हूं ये समझिए, हमारे साथ खुद इकबाल मसूद, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए 10 सेकंड में, फिर मैं इकबाल महमूद जी के पास जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं, रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है, उसकी जनसंख्या 15 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 150 करोड़ है। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, उसकी जनसंख्या 4 करोड़ है, हमारी 150 करोड़ है। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, उसकी जनसंख्या 144 करोड़ है। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, उसकी जनसंख्या मात्र 33 करोड़ है। ब्राजील का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, उसकी जनसंख्या मात्र 22 करोड़ है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या, ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है। अश्विनी जी, हम आपकी बात समझ गए कि जितना क्षेत्रफल है उस अनुपात में हमारे पास जनसंख्या बहुत ज्यादा है। हमारे बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग कहते थे जितनी जितनी चादर हो उतना पैर फैलाओ। हमने तो अपनी अपना पैर 10 गुना ज्यादा फैला दिया है, चादर फटने वाली है और कई एरिया में चादर फट चुकी है। बुजुर्ग कुछ और भी कह गए, कुछ और भी कह गए, 5 बुलाओ 25 आए और सारे भूखे जाएं, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा है। तो क्या ये हम चाहते हैं?
मैं इकबाल महमूद आपके पास आऊंगा, मैं इससे पहले कि आपका कोई बयान कोट करूं, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। इकबाल जी, जो बात अश्विनी जी ने कही है, क्या आप भी मानते हैं कि ये वक्त है जब इस देश को जनसंख्या नियंत्रण पर सोचना चाहिए, और न केवल सोचना चाहिए बल्कि अब मजबूत कदम उठाना चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं सबसे पहले तो जितने हमारे उसमें शामिल सबको आदाब करूंगा, और मैंने पहले भी कहा है कि जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है हिंदुस्तान की। इतने बड़े हिंदुस्तान के अंदर 100 करोड़ 130 करोड़ की आबादी वाला देश, बहुत बड़ा देश है, इसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। मगर इसको जो पॉलिटिकल एंगल दिया जाता है उसका मैं खुदा अच्छा कि किसी एक समुदाय के विशेष को ऊपर उंगली उठाकर ये कहा जाए कि आप जो है वो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। देखिए, और ये मैं इसकी मिसाल आपको बताता हूँ, आसाम का आपने भी जिक्र किया, आसाम के मुख्यमंत्री जी ने इस समस्या का उठाया है, मगर आप ये बताना भूल गए शायद, उन्होंने ये कहा है कि आसाम के अंदर मैं ये ला रहा हूँ कानून, मगर इससे अनुसूचित जाति के लोग और हमारे चाय के बागान में काम करने वाले लोग, ये लोग जो है इससे मुस्तस्ना रहते हैं, इसलिए और कुछ शामिल नहीं थे। ऐसा क्यों? आदिवासी इसमें शामिल नहीं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इसका जवाब मैं बीजेपी से लूंगा, लेकिन मुझे आइडली मैं चाहता हूं कि एक एक करके सबका रिएक्शन लूं, उसके बाद मैं आपको वो बयान कोट करूंगा जो आपने विधान उत्तर प्रदेश को लेकर कहा है। लेकिन इससे पहले प्रमोद कृष्णम, मैं आपके पास आना चाहता हूं। प्रमोद जी, आप बड़े विद्वान हैं, आप देश की तमाम समस्याओं पर अपने विचार रखते हैं, ऐसा क्यों होता है प्रमोद जी कि जब भी हम बात किसी नीड ऑफ आवर, समय की सबसे बड़ी जरूरत की करते हैं, उसमें राजनीति आ जाती है? क्या आपको भी लगता है कि इस मुद्दे पर सियासत होनी चाहिए? देखिए गौरव जी, पहली बात तो ये है कि ये हमारे देश में बहुत पुराना नारा है, छोटा परिवार सुखी परिवार। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बच्चों की अच्छी परवरिश अगर करनी होती है तो, क्योंकि हर माँ बाप के पास में संसाधन सीमित होते हैं, यहाँ 60% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ही सीमित संसाधन हैं, आर्थिक दृष्टि से जो मजबूत नहीं है, तो अगर दो बच्चे होंगे तो उनकी परवरिश अच्छे स्कूल में होगी, उनकी उनका इलाज, उनकी सेहत का ध्यान रखा जाएगा, दो से ज़्यादा परिवार बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, ये सिर्फ क्या उत्तर प्रदेश में ही होना चाहिए या पूरे देश में होना चाहिए? आबादी सिर्फ उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है या पूरे देश में बढ़ रही है? तो एक सवाल खड़ा होता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन अगर ये लॉ आता है, मैं अश्विनी उपाध्याय जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस विषय को उठाया, और 1975 में संजय गांधी जी ने, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो इस विषय को उठाया था कि हम दो हमारे दो, लेकिन उसके बाद परिणाम क्या हुआ वो दूसरा एक सवाल खड़ा हो जाएगा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिकलाइज, इसको जो पॉलिटिसाइज किया जा रहा है वो कौन कर रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी ने पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का विरोध किया? क्या समाजवादी पार्टी ने कोई विरोध किया? अभी तो कानून आ नहीं रहा है, अभी तो आ कहाँ रहा है? जिस दिन आएगा पॉलिटिकल पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करेंगी। मैं अपना निजी विचार प्रकट करने की स्थिति में अभी आपके सामने हूँ, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आबादी कंट्रोल होनी चाहिए, इकबाल महमूद साहब ने भी ये बात रखी है कि होनी चाहिए, लेकिन इसका राजनीतिकरण जो हो रहा है, नहीं सर, तो लेकिन मैंने आपसे इसलिए पूछा प्रमोद जी, देखिए अगर करना चाहता है या इसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना चाहता है तो बीजेपी लेना चाहती है। जनगणना को लेकर कोई विरोध नहीं जताया, जनगणना नियंत्रण को लेकर, लेकिन उन्हीं पार्टी से जुड़े लोगों ने गाहे बगाहे आज भी कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसका इन पार्टियों ने विरोध भी नहीं किया, और ऐसा लगता है कि वो जनगणना नियंत्रण के विरोध, जनसंख्या नियंत्रण के विरोध में दे दीजिएगा, बस सिर्फ 10 सेकंड, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, मैं आपको मुझे बता दूं, 10 सेकंड दे दीजिएगा। अच्छा बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं शाह जी के पास आता हूं। मैं गौरव जी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पहली बात, जनसंख्या नियंत्रण का यदि कोई कानून आता है तो वो सिर्फ केवल किसी एक कौम पर, किसी एक जाति पे, किसी एक धर्म पे थोड़ी आएगा, वो तो सब पे आएगा, और कोई एक कौम के बच्चे ज्यादा हैं और दूसरी कौम के कम, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कानून आएगा तो ये
ये कानून आएगा, ये कानून आएगा तो हम तो इसका स्वागत करेंगे, हम तो स्वागत कर रहे हैं। चलिए कांग्रेस इसका स्वागत करेगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब नेता इसी कानून को लेकर सवाल खड़े कर देते हैं। प्रमोद जी, मैं आता हूं आपके पास। शाजी आलमी, असम और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य बीजेपी के हैं, दोनों राज्य कह रहे हैं कि हम जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाएंगे, तो पहला सवाल, क्या राष्ट्रीय स्तर पर भी बीजेपी कोई ऐसा कानून, कोई ऐसी नीति ला सकती है? और अभी आप देखिए यहां पर आपके उसी असम की उसी नीति पर इकबाल महमूद ने सवाल उठा दिया कि आपने कुछ लोगों को उससे बाहर क्यों कर दिया, सबको उसमें क्यों नहीं शामिल करते हैं? मुझे लगता है ना सिर्फ असम और उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में सबको मिलकर, और सिर्फ राजनेताओं को ही नहीं बल्कि जितने भी जो भी लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, जो भी लोग अपने को साधु संत कहते हैं या सार्वजनिक जीवन में कोई भी रोल प्ले करते हैं, उनको इस पर काम करना चाहिए। जो हमारी भारत की भूमि है, जो संसाधन है, जो वायु है, जो जल है, जो भी लिमिटेड हमारी संसाधन है, उसका बंटवारा इतने लोगों में हो, मुझे लगता है बहुत ही ये गलत है हर एक परिवार के लिए, प्रदेश के लिए और पूरे तौर पर देश के लिए। तो ये नुकसानदेह है सबके लिए, ये हर एक माँ के लिए भी उतनी बुरी बात है, हर एक पिता के लिए भी और हर एक बालक के लिए भी, चाहे वो हिंदू नहीं, हो तो फिर आपके ऊपर विरोधी ये निशाना लगाते हैं, आपके ऊपर विरोधी ये आरोप लगाते हैं कि आप सेलेक्टिव बात कर रहे हैं। आप बोलिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, खत्म करे बगैर किसी को बोलने नहीं दूंगी तो मैं अपनी बात खत्म। अरे नहीं, सबको बोलने दीजिए, आप चाहे वो अहिर हो, सवाल मैं पूछ रहा हूं, आप अपने सवाल में जोड़ लीजिए इसको, आप जवाब में जोड़ लीजिए, आपके ऊपर विपक्षी आरोप लगाते हैं कि आप सेलेक्टिव बातें करती हैं। खत्म करूंगी अपनी बात को, चाहे वो अहिर हो या जाट हो, और जिसने बात की थी, तो ये पूरा राजनीतिकरण कैसे हुआ, क्योंकि संजय गांधी जी ने फोर्स स्टेरिलाइजेशन किया था, वो जो पूरे नसबंदी का दौर था और जबरदस्ती हुआ था, उसके वजह से एक पूरा डर का माहौल रहा है, और उसके वजह से किसी भी दल ने इस ओर कदम नहीं उठाया, और उसके वजह से उसका इतना नेगेटिव असर रहा है कि किसी पार्टी ने फिर उसकी बात नहीं की और उसकी हिम्मत नहीं की। मैं आ रहा हूं, लेकिन अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मुझे बोलने तो दीजिए भाई। नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा, प्रमोद जी हाथ ऊपर उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप बात कर लीजिए, आप बोल लीजिए। नहीं नहीं भाई, सब बोलने दीजिए, आपको बहुत सवाल है, आप सारे सवाल लिख लीजिए, मैं एंड में आ जाऊंगी आपके पास। राजा जी, आपने मेरी बात सुनी नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णम उंगली उठा रहे थे, उनको रिएक्ट करना था, मैंने उनसे कहा कि आप रुकिए, शाजिया जी की बात पूरी हो जाए फिर मैं आपके पास आता हूँ। आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि मेरे पास समय कम है ना। तो मैं कह रही हूँ क्योंकि, और आप राजेंद्र सचर रिपोर्ट पढ़ेंगे अगर, तो वहां पे भी कहा गया था, 2006 की रिपोर्ट है और 10 साल पहले बाद भी उस पर कुछ काम नहीं किया गया। अगर कुछ एक्शन टेकन रिपोर्ट हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए के टाइम हुई है, और उसमें भी कहा गया है कि फर्टिलिटी रेट जो है मुसलमान महिलाओं में ज्यादा देखा गया है, और ट्राइबल औरतों में ज्यादा देखा गया है, यानी कि जो गरीबी के शिकार ज्यादा है उसके वजह से हुआ है। जो समृद्ध मुसलमान परिवार, सुनिए, अब फिर सुनिए, सुन रहे हैं आप, मुझे रिएक्शन तो लेना पड़ेगा, नहीं आप बोल लीजिए, मुझे रिएक्शन तो लेना पड़ेगा। शाजिया जी, मैं आपको आगे भी मौका दूंगा, आप आगे भी बोलिएगा, क्योंकि आपने एक बात उठाई है मुस्लिम महिलाओं की, और मेरे साथ इस पूरे पैनल में एक ही मुस्लिम यहाँ पर प्रतिनिधि है, उसके साथ एक बहुत जरूरी बात मैं कह रही थी। अच्छा बोलिए। जो समृद्ध मुस्लिम महिलाओं की बात कर रही थी, परिवारों की, आपने मेन बात आपने रोक दिया मुझे। बोली। मैं कह रही थी क्योंकि गरीबी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जहाँ ज्यादा है वहाँ पे बच्चे ज्यादा हैं, इसलिए जरूरी था, आर्थिक पिछड़ापन जहाँ ज्यादा है, ठीक है, आपने उसी बोझ, सबसे जरूरी पॉइंट वो था, मुसलमान परिवार की बात ज्यादा जरूरी नहीं थी, लेकिन आपने मुझे वहाँ रोक लिया। अच्छा ठीक है, इससे पूरी बात पलट गई, अब आपकी बात पूरी हो गई, मुझे रोक लिया शाजिया जी, अब आपकी बात पूरी हो गई। जहाँ पे आर्थिक पिछड़ापन ज्यादा है उन परिवारों में ज्यादा फर्टिलिटी रेट था, जैसे जैसे आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी वहाँ वहाँ परिवार छोटे होंगे। मैं इस बात पर रिएक्शन लेना चाहता हूँ, प्रमोद जी आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन पहले मैं इकबाल महमूद जी से रिएक्शन लेना चाहता हूँ। इकबाल महमूद जी, देखिए आपने जो पूछा उस पर यहाँ पर शाजल में जवाब दे रही है, और उन्होंने ये कहा कि जहाँ शिक्षा होगी, जहाँ आर्थिक तरक्की होगी, वहां पर लोगों को ये बात ज्यादा ध्यान में आएगी। लेकिन इकबाल महमूद, इस बात का जवाब देते हुए आप इस बात का भी जवाब दीजिए कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या का कानून आ रहा है उसमें देश में मुसलमानों ने जनसंख्या नहीं बढ़ाई है, यहां पर तो दलित और आदिवासी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या कानून की आड़ में मुसलमानों पर वार कर रही है। आप इसको धार्मिक रंग क्यों दे रहे हैं जब आप खुद कह रहे हैं कि जनसंख्या एक बड़ी दिक्कत है इस देश में? बिल्कुल सही है, जनसंख्या एक बहुत बड़ी दिक्कत है पूरे देश में, मगर ये कानून तो
पार्लियामेंट के अंदर आना चाहिए था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं 2022। इसको मद्देनजर रखते हुए हमारी यूपी की सरकार ये काम लेके आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत नेता लोग, तो बड़े बड़े नेता लोग, मंत्री लोगों ने ये कहा कि भाई जनसंख्या हिंदुओं की बहुत कम हो रही है, आपको चाहिए कि चार चार पांच पांच शादी करें और दस दस पंद्रह पंद्रह। लेकिन अभी तो कानून आया नहीं ना मैम इकबाल जी, अभी तो कानून बन रहा है, आपको पहले उस कानून के बारे में जानकारी हो गई? अरे उससे पहले तो, उसी से पहले तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं भाई, ये लोग कह रहे हैं सब, उन्नाव के एमपी साहब ने ये बात कही है कि ज्यादा पैसे पैदा करो। मुसलमानों की नहीं हो रहा है, मुसलमानों के ही बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं। मैंने ये कहता सिर्फ मुसलमानों के नहीं, आदिवासियों के, अनुसूचित जातियों के। विजय शंकर जी रिएक्ट करेंगे इस पर, मैं आ रहा हूं विजय शंकर जी रिएक्ट करेंगे इस पर। विजय शंकर जी का है इलेक्शन का चुनाव, इसलिए उत्तर प्रदेश में बात हो रही है ये। देखो गौरव क्या है कि वो कौन सा समय है, समय तो कोई ना कोई कभी रहता ही है, कभी इलेक्शन होगा कभी कुछ होगा, तो वो तो बहाने बनाने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन प्रमोद जी ने एक बात कही थी कि ये हम दो हमारे दो का नारा एक इंदिरा जी से चला था और उसका बड़ा परिमाण हुआ, सारे देश में परिणाम हुआ। परिणाम क्या हुआ कि जो हिंदू 85% था उस समय 1947 में, आज 79% रह गया, और मुस्लिम जो उस समय 9% थे वो 14% से बढ़कर चले गए। यानी वो जो हम दो हमारे दो का जो नारा था वो हिंदुओं ने उसको अप्लाई किया अपने ऊपर, और उसको अप्लाई करके आज आप हिंदू समाज में देख सकते हैं कि वो बच्चों की जो एक दो बच्चे ही होते हैं। लेकिन उसमें एक चूक हो गई, चूक ये हो गई कि हिंदुओं को तो है कि तुम दो शादियां नहीं कर सकते हो, तुम एक ही शादी कर सकते हो, अगर दूसरी शादी करनी है तो पहले तलाक देना पड़ेगा। लेकिन मुसलमानों को इस बात के लिए छूट है कि आप कितनी भी शादियां करिए और कितनी भी शादियां करके कितने भी बच्चे पैदा करिए, आपको छूट है, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है। तो हम दो हमारे दो का नारा तो दिया गया, लेकिन वो हिंदुओं पर लागू हुआ, मुस्लिमों पर लागू नहीं हुआ। हम कहते हैं अगर ओपन करने जा रहा हूं मैं, बस इकबाल जी, इकबाल जी एक मिनट, एक इकबाल जी अपनी बात मेरी बात कीजिए। गौरव जी मेरी बात पूरी होने जा रही है, पूरी कीजिए। हाँ तो गौरव जी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया की हालत क्या है कि भारत में केवल आसाम और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की बात नहीं हो रही, पूरे देश में जनसंख्या की बात सवाल हो रही है। यही है, जमीन बढ़ नहीं रही, पानी घट रहा है, पर्यावरण घट रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, देश में लाने की जरूरत है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं जल्दी से प्रदीप जी से ले आता हूँ, प्रदीप जी को लाता हूँ इस डिबेट में। प्रदीप जी देखिए, आपने सबकी बातें सुनी, मेरा सवाल यह है कि क्या इस देश में कभी इस तरह का कानून आ पाएगा जहां जनसंख्या नियंत्रण की बात होते ही हिंदू मुस्लिम होना शुरू हो जाता है, आदिवासी दलित गैर आदिवासी होना शुरू हो जाता है, बीजेपी और गैर बीजेपी या पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है? गौरव जी मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं अश्विनी जी को सुन रहा था, उन्होंने इस तरह के बहुत से काम किए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको साधुवाद देना चाहिए और बड़ी गंभीरता से करते हैं वो जो मुद्दा उठाते हैं। वो जो आंकड़े दे रहे थे कि इस देश की आबादी इतनी और क्षेत्रफल इतना, उस लिहाज से सोचने वाले समय की बस हम मिस कर चुके हैं, वो बस निकल चुकी है। इस समय जो जरूरत है ये देखने की बात है कि जिन परिवारों में बच्चे ज्यादा हैं उनमें शिक्षा कितनी है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उस और जिनके परिवारों में बच्चे कम हैं उनकी शिक्षा और आर्थिक स्थिति। आप केरल और आंध्र प्रदेश का उदाहरण इसी देश का देखिए, जहां शिक्षा और रोजगार ज्यादा है या आर्थिक स्थिति बेहतर है, वहां आप देख लीजिए जनसंख्या, वहां जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.9 पर आ गया है। हमको अपनी जनसंख्या को स्थिर करने के लिए 2.1-2.2 तक लाना है, हम उस ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में हमको वो गलती नहीं करनी चाहिए जो चीन ने की। चीन ने पहले एक बच्चे का कानून बनाया, फिर दो बच्चों का बनाया, अब तीन का बनाना पड़ रहा है। ठीक है, आपने बात छेड़ दी ना प्रदीप जी, आप बिल्कुल यही बात हम करने जा रहे हैं। देखिए स्वामीनाथन अय्यर भी देश के वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं, वो भी इसी बात को कर रहे हैं जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। अब जल्दी से वही बात करते हैं और फिर इस डिबेट को ओपन करते हैं और सब तमाम प्रवक्ताओं के पास जल्दी जल्दी जाएंगे और उनसे जल्दी जल्दी रिएक्शन लेंगे। दो बच्चों से ज्यादा होने पर सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, उत्तर प्रदेश में ऐसा कानून आ सकता है? अभी इस कानून का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, आबादी को कंट्रोल करने के लिए एक नया कानून संभव है।
योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि जनसंख्या को स्थिर करना बेहद जरूरी है, और जनसंख्या को बेस्थिर करना अगर जरूरी है तो सवाल केवल उत्तर प्रदेश का है या पूरे देश का है, सवाल केवल असम का है या दूसरे राज्यों का भी है। आइए जल्दी से बिग वॉल पर चलते हैं और बिग वॉल पर इस बारे में हम आपको बताते हैं कि किसकी आबादी कितनी बढ़ी है, कैसे ये अब एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है जिसकी तरफ जितनी बातचीत होनी चाहिए, जितना जिसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। किसकी कितनी आबादी बढ़ी, क्योंकि हमेशा ये आ जाता है कि भाई इस धर्म की आबादी कम है, इस धर्म की आबादी ज्यादा बढ़ी है, तो यहां से शुरू करते हैं। देखिए हम हिंदुओं की आबादी से शुरू करते हैं। 1951 में यह आबादी 30 करोड़ 35 लाख के आसपास थी। मैं हट जाता हूं, आप ये आंकड़ा देखिए, 30 करोड़ 35 लाख। 2011 में यह आबादी होती है 96 करोड़ 63 लाख। अगर मुस्लिम आबादी की बात करें तो 1951 में यह आबादी थी 3.54 करोड़, करीब 3.5 करोड़, लेकिन 2011 में यह बढ़कर 17 करोड़ से ज्यादा हो जाती है। अब परसेंटेज देखेंगे ना इन दोनों का तो उसमें ज्यादा आप समझ पाएंगे इस चीज को। सिख आबादी 1951 में 62 लाख और 2011 में 2 करोड़। इसी तरह ईसाइयों की आबादी 1951 में 84 लाख और 2011 में 2 करोड़ 78 लाख। यानी अगर एक पैमाना यहां पर माने तो यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से किस धर्म की आबादी कितनी तेजी से बढ़ी है। अब यहां पर बात करें, हम दो हमारे दो जरूरी क्यों हो जाता है, क्यों जरूरी है यहां पर, लेकिन यहां पर हम आप देखिए आपको बताएं, जनसंख्या अगर ज्यादा होगी तो फायदा नहीं मिलेगा, कहां पर किस तरह का कानून है या कहां पर अभी इस बारे में बात हो रही है। राजस्थान 2 से ज्यादा बच्चा सरकारी नौकरी नहीं, मध्य प्रदेश 3रा बच्चा आया तो सरकारी नौकरी नहीं, ये लगातार वहां पर कहा जा रहा है। आप देखिए तेलंगाना और गुजरात 2 से अधिक बच्चे पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, गुजरात में है 2 से अधिक बच्चे पर निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते। अलग अलग राज्य कोशिश कर रहे हैं लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर फिलहाल कोई ऐसी नीति नहीं दिख रही है। महाराष्ट्र और ओडिशा, महाराष्ट्र 3 बच्चा तो निगम चुनाव के लिए अयोग्य, ओडिशा 3 बच्चे तो इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड 2 चाइल्ड पॉलिसी, नगर पालिका चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके अलावा असम और उत्तर प्रदेश में भी अब इस पर बात हो रही है। लेकिन हम दो हमारे दो क्यों, क्यों जरूरी है, ये बहुत बड़ा सवाल है जिसको आप समझिए। संसाधन के बंटवारे की समस्या है, भौतिक संसाधनों के बंटवारे की समस्या है, प्राकृतिक संसाधनों के बंटवारे की समस्या है, रहेंगे कहां। हम देखते हैं आज भी झुग्गी झोपड़ियों में कैसे लोग रहते हैं, तो ये वही समस्या है। रोजगार, लोगों को हम काम कैसे देंगे, एक सीमित संसाधन के तहत हम लोगों को नौकरियां दे सकते हैं। जीवन में गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे मिलेगी जब इतनी ज्यादा भीड़ होगी और जब इतनी ज्यादा डिमांड होगी। गरीबी और अशिक्षा में बढ़ोतरी होगी क्योंकि वहां पर लोगों की कमाई कम होगी, कमाई बटेगी और लोगों को क्या शिक्षा उस हिसाब से मिल पाएगी। भौतिक साधन, यानी आप ट्रेन में सीटें 70 हैं और जाने वाले 700 हैं तो बाकी लोग कैसे जाएंगे। वनों की कटाई, लगातार उसके लिए लोगों के रहने के लिए जमीन चाहिए होगी और वहां पर वनों की कटाई होगी और संसाधन जो वनों से मिलते हैं उनकी भी खपत ज्यादा होगी। वायु प्रदूषण जो आज एक बहुत बड़ा मुद्दा इस देश में बन चुका है, ऑलरेडी देश के कई सारे शहर इससे प्रभावित हैं। अब इसके आगे हम दो हमारे दो का विरोध क्यों हो रहा है, यह भी समझिए। विरोध भी हो रहा है, मैंने कहा ना कि कुछ लोग मुसीबत नहीं मानते, इसका तर्क क्या है, क्योंकि चीन के जैसे मुसीबत बढ़ जाएगी। चीन में क्या मुसीबत बढ़ गई है, इसके बाद 1979 में चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी आई थी, यानी एक बच्चा पैदा करने की इजाजत। 37 साल तक चीन में यह पॉलिसी लागू रही, 37 साल तक चीन में लोगों ने इस पॉलिसी को माना। 2016 में उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की, जो प्रदीप जी कह रहे थे अभी, 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई गई वहां पर, क्योंकि वहां की सरकार को लगा कि अब हमारी आबादी बहुत ज्यादा बुजुर्ग होती जा रही है और हमारे बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है। 2020 में पॉलिसी बदली गई और अब वहां 3 चाइल्ड पॉलिसी कर दी गई, क्योंकि चीन को लगता है कि उनके यहां बहुत ज्यादा बुजुर्ग आबादी होती जा रही है और जो युवा लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व कम हो गया उनकी आबादी में। 10 साल बाद इसका क्या असर होगा, चीन में सैनिकों की कमी होगी क्योंकि वहां पर युवा लोग नहीं होंगे सैनिक सेना में भर्ती होने के लिए। चीन की इसके बावजूद, ये सारी पॉलिसी आने के बावजूद, चीन की आबादी बढ़ाने के सारे कार्यक्रम फेल हो गए हैं और लोगों में अब वो उत्साह नहीं दिख रहा है। चीन की आबादी को शादी पर से विश्वास उठ गया है और वो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता में घुल गया है और अब वो इस सरकार की पॉलिसी पर भी आने पर भी सरकार के साथ नहीं खड़े दिखते। और ये केवल यही नहीं है, आबादी का अर्थशास्त्र हकीकत है या कुछ और है, यह भी समझिए, यह अर्थशास्त्र से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। देखिए, स्थिर जनसंख्या के लिए फर्टिलिटी रेट क्या होना चाहिए, 2.1, यानी हर महिला पर जन्मा बच्चा 2.1, ये एवरेज में है। इसको आप देखिए, भारत में फर्टिलिटी रेट क्या है इस वक्त, 1992-93 में हमारा फर्टिलिटी रेट यानी देश का 3.4 था, 2020-21 जहां हम इस वक्त हैं या अभी एक साल पहले जिसकी हम बात करें 2.2, और
अनुमान है कि 2025 में ये 2.1 जो स्थिर रेट है उससे कम होकर 1.93 तक हो जाएगा। इसकी वजह क्या है? मध्यम वर्ग कम बच्चे पैदा कर रहा है, जो बात हम चीन की मानसिकता की कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे वजह कुछ और है। बच्चे के अच्छे लालन पालन का खर्च बढ़ गया है। मिडिल क्लास को लगता है ज्यादा बच्चे होंगे तो उनका सही से लालन पालन नहीं कर पाएंगे, दो बच्चों का खर्च उठाना मुश्किल होगा, ये भी लगता है मिडिल क्लास को। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूकता भी अब लोगों में काफी दिख रही है, लेकिन सवाल यह है कि यह जनसंख्या नियंत्रण किस लेवल पर, एक बच्चे पर, दो बच्चे पर या उससे आगे। अब आबादी का अर्थशास्त्र दुनिया के लिहाज से यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये अर्थशास्त्र आप समझेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे यहां पर यह एक बहुत बड़ी बहस है दुनिया के लिहाज से। चीन देखिए, अगर 2017 की बात करें तो 141 करोड़ की आबादी वहां पर, जो कि 2100 में बढ़कर 73 हो जाएगी, और 2024 की बात करें तो 143 करोड़ हो जाएगी। यानी आने वाले दिनों में चीन की आबादी घटेगी अगले 70-80 सालों में। भारत की आबादी 138 करोड़, जो कि 2017 में थी, 2100 में ये 109 होगी, और अधिकतम आबादी हमारी कब होगी, 2048 में 160 करोड़। यानी 2100 में भारत दुनिया में नंबर वन वाली आबादी का देश होगा, बल्कि 2048 में ही बन जाएगा वो। और कुछ तो अनुमान ये भी लगा रहे हैं कि अगले 6-7 सालों में भारत चीन को पार कर जाएगा अगर इसी तरह आबादी बढ़ती रही तो। अमेरिका आप देख सकते हैं, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये सारी आप यहाँ पर जो हम आपको यहाँ पर आंकड़े दिखा रहे हैं, ये बताता है कि कैसे 2100 आते आते ये देश अपनी आबादी से थोड़ा सा ज़्यादा या आसपास ही होंगे, लेकिन ज़्यादा अंतर आएगा चीन और भारत में। देखिए, ये आंकड़े आप तक रखने का मकसद केवल एक था, ताकि आप इस विषय की गंभीरता को समझ सकें और आप समझ सकें कि कितना जरूरी है। अश्विनी जी देखिए, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं ये आंकड़े दिखाकर इस डिबेट को ओपन करता हूं, उम्मीद समय कम है इसलिए छोटे छोटे तर्क। अश्विनी जी, अब इस तर्क से आप कितना सहमत हैं कि अगर हमने अभी आबादी को रोका तो आगे चलकर चीन जैसा हाल हो जाएगा हमारा, हमारे पास बुजुर्ग ज्यादा होंगे और काम करने वाले लोग कम होंगे? बड़ी सीधी सी बात है गौरव जी, मैंने कहा जितनी चादर हो उतना पैर फैलाना चाहिए। चीन से तुलना करना ही बहुत बड़ी गलती है। हम चीन से तुलना क्यों कर रहे हैं? हम तुलना उससे करें जिसके बराबर हमारा क्षेत्रफल हो। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज़्यादा, उससे हम क्यों तुलना कर रहे हैं? अमेरिका से भी नहीं कर सकते, उसके भी क्षेत्रफल 3 गुना ज़्यादा है। आप ज़रा समझो, दुनिया के 2% जमीन पर दुनिया की 20% आबादी रह रही है, दुनिया का 4% पानी है और 20% लोग पी रहे हैं। तो हम अपने संसाधन से देखें ना कि वास्तव में हमारे पास कितना है। अगर तो फिर इस पर भी प्रतिक्रिया दीजिए, जो इकबाल महमूद कह रहे हैं कि अगर आबादी रोकनी है या जनसंख्या नियंत्रण करना है तो एक चश्मे से देखिए, आप संप्रदाय, धर्म और वर्गों में मत बांटिए उसको। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, हमने तो राज्यों को पार्टी नहीं बनाया। मेरी जो PIL चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, हमने उसमें राज्य को पार्टी नहीं बनाया। हमने केवल केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय को पार्टी बनाया। हमने तो लगातार कह रहा हूं, हमारे संविधान में ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग का मैटर कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो राज्य भी कानून बना सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जनसंख्या विस्फोट राष्ट्रीय समस्या है, इसका समाधान राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। और एक परसों मैं आता हूँ, मैंने बोला था समय कम है, मुझे सबके पास जाना है, मैं आता हूँ। प्रमोद जी, क्या आप भी मानते हैं, तीन प्रमोद जी, क्या आप भी मानते हैं कि हमें चीन से कंपेयर नहीं करना चाहिए, या हमारे सामने नजीर है, कहीं वो भूल हम भी ना कर दें जो चीन ने कर दी और आज बच्चे वहां पर पैदा करने को तैयार नहीं है लोग? देखिए गौरव जी, जो उपाध्याय जी बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन बात कर रहे हैं। उन्होंने पहली बात अपनी PIL में उन्होंने खुद कहा है कि हमने राज्यों को पार्टी नहीं बनाया, क्योंकि ये नेशनल इशू है। मैंने भी यही बात उठाई कि आबादी तो पूरे देश की बढ़ रही है, एक राज्य की आबादी कम करके और ज़्यादा करके हम देश का फायदा कहाँ कर पाएंगे। तो मैं अश्विनी उपाध्याय जी की बात का समर्थन करता हूं। नहीं मानते कि यूपी और असम में इस पर बात नहीं होनी चाहिए? कि नो, सवाल यह है, यूपी और असम में आबादी कंट्रोल करने की जो स्थिति चलेगी, या राजस्थान में आपने बताया, केरल कर्नाटक में बताया, उससे पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पाएगा। ये नेशनल इशू है, ये राष्ट्रीय स्तर पे इसको लागू करना पड़ेगा। दूसरी बात यह, और सख्ती से लागू करना पड़ेगा। अश्विनी उपाध्याय जी को मैं फिर साधुवाद एक और बात के लिए देता हूं कि उन्होंने अपनी PIL में ये तो कहीं कहा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, मुसलमानों की आबादी कंट्रोल करो। लेकिन आपके सामने इस पैनल में है, आपके साथ इस पैनल में है, जहां इकबाल महमूद
कह रहे हैं कि नहीं, देखिए असम में इन वर्गों को अलग कर दिया गया और यूपी में मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है, वही तो मैं कह रहा हूँ। जब वो कह नहीं रहे हैं अपने इस पीआईएल में, तब उसके बावजूद धार्मिक एंगल क्यों आ रहा है? नहीं देखिए, धार्मिक एंगल तब आ जाता है। अभी विजय शंकर तिवारी जी ने जो बात कही, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा साहब हिंदुओं में तो एक शादी होती है, इनके यहाँ चार होती है। अरे भाई हिंदुओं में भी तुम चार कराने शुरू कर दो, हिंदू कोडविल जो है हमारा उसको बदलवा दो, मैरिज एक्ट बदलवा दो। ये कोई विषय नहीं है, तर्क नहीं है, ये कुतर्क है। प्रश्न ये विजय जी जवाब दीजिए, ये कोई तर्क नहीं है। चार शादी की इजाजत है, अगर चार शादी एक सेकंड चार शादी की इजाजत है तो वो देश के कानून ने उसको माना है, आप उस कानून को बदलवाओ। बताइए विजय जी, देखो 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 वो कानून की जो बात हो रही है, वही कानून का तो विषय चल रहा है जिसमें इकबाल जी बोल रहे हैं, वही सारा विषय हो रहा है कि वो एक ही कानून होना चाहिए। और कानून ये होना चाहिए अगर जनसंख्या कम करनी है तो सबके लिए एक समान है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है कि अब जब शादियां ज्यादा हो जाएंगी तो पत्नियां ज्यादा हो जाएंगी तो बच्चे अपने आप पढ़ेंगे, तो उसमें कुतर कहाँ हो गया? मुझे लगता है कि देखो एक चीज मैं कुतर्क पे नहीं जा रहा, देश के कानून ने उनको अधिकार दिया हुआ है। 100 करोड़ एकड़ जमीन पर सवाल उठ रहा है ये ना फिर। हाँ हाँ ये तो बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों नहीं किया, ये दूरदृष्टि नहीं थी क्या? जब हम दो हमारे दो की बात की जा रही थी तो दूरदृष्टि से कहा जाता है ये भी ठीक करो, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा छेद है, ये हमारा खालीपन है, इस खालीपन को ठीक करेंगे। सवाल तो सरकार से करिएगा, समान रूप से या मुझसे सवाल करके कोई फायदा थोड़ी होगा। मैं प्रमोद जी जो आप और हम सब लोग बात कर रहे हैं सरकार से ही कर रहे हैं, नहीं ये तो माध्यम कर रहे हैं, तो सरकार के जो प्रतिनिधि हैं या जो सरकार में जो पार्टी है उस पार्टी की जो प्रतिनिधि है उनसे भी सवाल हमें करना चाहिए। शाजिया देखिए केवल बयान एक वर्ग की तरफ से नहीं आ रहा है, जवाब नहीं देना चाह रही हूँ पैनल एक बतौर यहाँ पे एक जिम्मेदार पैनलिस्ट होने के नाते और एक महिला होने के नाते भी जवाब देना चाहूंगी। मैं आपसे आप जवाब दीजिए, मैं एक सवाल पूछ लूं आपका, मैं सवाल पूछ लूं आपसे, मैं भी पेटिशनर हूं। मेरा सवाल सुन लीजिए, आप अपना जवाब दीजिएगा, बहुत मुबारकबाद दूंगी। एक बार मैंने सवाल तो पूछा नहीं आपसे और उनके साथ में पूरी तरह से हूँ। देखिए शाजिया मेरा सवाल सुन लीजिए, मैंने इकबाल महमूद का बयान कोट किया, प्लीज मेरा सवाल सुनिए, मैंने इकबाल महमूद का सवाल कोट किया, उनका बयान कोट किया, तो मैं एक और बयान कोट करना चाहूंगा। एक जाने माने हमारे हिंदू धर्म के जो विद्वान है और जो बहुत धर्म को समझते हैं और हिंदू धर्म को लेकर काफ़ी बातें करते हैं, उन्होंने एक बयान दिया, हिंदू जनसंख्या बढ़ाएं और शस्त्र रखें। क्या आप इस बयान को भी इंडोर्स करते हैं? इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए जो भी जनसंख्या बढ़ाने की बात करेंगे अपने धर्म के लिए, तो जाहिर सी बात है उनको अपने धर्म से प्रेम नहीं है, ना ही वो चाहते हैं कि उनके धर्म के लोग और वो परिवार खुश हों। उन्हें 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 कोई राजनीति करनी है और सियासत करनी है, तो वो मुसलमान हो या हिंदू नेता हो, उन्हें फिक्र नहीं है उन बेटियों की, उन माओं की या उन बच्चों की, वो बालकों की, क्योंकि जिनके भी परिवार बड़े होंगे, जो भी माँ की प्रोडक्ट जो भी माँ लगातार एक बच्चे पैदा करने की मशीन बनेगी तो उसकी क्या हालत होगी वो हम सब जानते हैं। तो जाहिर है उन्हें जरा सा भी ना तो मोहब्बत होगी उस परिवार से, चाहे वो उनके उनके धर्म के क्यों ना हो, वो सिर्फ सियासत करना चाहते हैं और वो सिर्फ पॉलिटिक्स है। लेकिन फिर वहाँ पर एक सवाल और आता है जो प्रदीप जी ने कहा, हिंदू बच्चे, चलिए आपकी बात बहुत बढ़िया है, मुझे बड़ी पसंद आई आपकी बात, मुझे लगता है सबको एक बात पसंद आई। प्रदीप जी ने जो बात कही, चाइना का जो एग्जाम्पल है, क्या बीजेपी क्या सरकार कहें या सरकार क्या इस पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को कि कहीं वो स्थिति ना आ जाए? वो दो बीवी क्या एक बीवी को भी अफोर्ड कर सकते हैं? क्यों करना चाहेंगे वो दो बीवियां या तीन बीवियां? अगर आर्थिक तौर से इतना पिछड़ापन उनमें है तो वो क्यों दो बीवियों करना चाहेंगे तीन बीवियां? सवाल नहीं सुन रही आप शाजिया, प्लीज सॉरी बट मेरा सवाल नहीं सुन रही, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं आप दूसरे पे जा रही हैं। रिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी, और इस बात को सुनकर अश्विनी भाई हमारे खुश भी होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए आज दिल्ली हाईकोर्ट ने भी यह कहा है, दिल्ली हाईकोर्ट ने, प्रदीप जी दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा है कि समान नागरिक संहिता की इस देश में जरूरत है। तो क्या यह पॉलिसी यूनिफॉर्म सिविल कोड से लिंक होती है और क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से यह पॉलिसी यह समस्या सुधरेगी? नहीं नहीं देखिए समस्या सुधारने में ये मदद नहीं करेगी, लेकिन इसको लेकर जो इस नीति को लेकर विवाद हो रहा है वो सुलझ जाएगा। कॉमन सिविल कोड आने से बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी, फिर ये जो है ये जवाब नहीं देना पड़ेगा समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद साहब को कि मुसलमान चार शादियां करते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, सबके लिए एक कानून हो जाएगा तो सब एक कानून पर चलेंगे। एक बात
मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, देखिए ये जो दो बच्चों का कानून कई कई राज्यों ने जो है स्थानीय निकाय के चुनावों में लागू कर दिया है, पंचायत में लागू कर दिया है, उसका आप फ्लिप साइड देखिए कि नुकसान क्या होने वाला है। लिंगानुपात गड़बड़ हो जाएगा, भ्रूण परीक्षण बढ़ जाएंगे, लोग केवल बेटा पैदा करना चाहेंगे, लड़कियां कम पैदा होंगी, एबॉर्शन बढ़ जाएंगे। तो चलिए फिर यही सवाल मैं अश्विनी जी आपकी बात पर बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रदीप जी समय कम है, मैं इसी सवाल को लेकर इकबाल महमूद के पास जाता हूं। इकबाल महमूद, तो आप कह रहे हैं कि देश में इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल रिलीजन कास्ट एक कानून होना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, तो फिर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी समर्थन करते होंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धर्मों के लिए कानून आए और फिर ये सारी समस्या जिसके मूल में राजनीति आ जाती है वो खत्म हो जाए। अच्छा ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि आप इस पर बात नहीं करेंगे। अश्विनी जी आप जवाब दे रहे थे प्रदीप जी का। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, मैंने आपको कहा कि जब कठोर कानून होगा तो उसका हर तरीके से निराकरण होगा। परसों मैंने तीन कानून बनाए थे जनसंख्या नियंत्रण के और कल वो तीनों कानून राज्यसभा में पेश हो गए। एक आदरणीय हरनाथ सिंह यादव जी ने पेश किया है, एक अनिल अग्रवाल जी ने पेश किया और एक आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने पेश किया। वो तीनों कानून मैंने परसों ड्राफ्ट किए थे, उसमें मैंने यही कहा है जहां एक बच्चा है उसको आप 1,00,000 रुपए दे दीजिए, जहां दो बच्चे तक है वहां पे भी आप कम से कम उनको केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराइए, बाकी चीजें कराइए, लेकिन जहां दो से ज्यादा हो रहा है प्लीज आप उस पर पिनल एक्शन लगाइए। इस देश में गौरव आप भी जानते हैं बिना पेनाल्टी के डर के मारे लोग हेलमेट नहीं लगाते, बिना पेनाल्टी के डर के लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं। आप कह रहे हैं डंडे की जरूरत है इसको लेकर, क्योंकि मना के फुसला के लोगों को जागरूक करके कुछ हुआ नहीं अभी तक। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिये अड़ी में आज कोशिश थी कि ये जो समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई है या जिसको लोग समस्या नहीं मान रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर नियंत्रण कानून आ गया जनसंख्या का तो वह समस्या पैदा कर देगा, कुछ भी हो एक बहस की जरूरत है। अगर राज्य कानून बना रहे हैं तो देश के स्तर पर इस कानून पर बहस क्यों नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल आज अड़ी में यही। फिलहाल दीजिए इजाजत, TV9 भारतवर्ष पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।